अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ तो खैरियत रहेंगे। तो आज हम नूडल्स बना रहे हैं, तो नूडल्स के लिए मेरे को इतना सामान चाहिए। देखो ये मैं चार पैकेट बना रही हूँ, छोटी छोटी पैकेट है ये। और ये हरी मिर्ची है, कटिंग करके रखी हूँ। नमक है अपने हिसाब से, लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च का पाउडर है थोड़ा सा, पाव स्पून। एक गाजर है, एक बड़ा कांदा है, थोड़ा पत्ता गोभी है। तीन कलर की शिमला मिर्ची है, आप लोग के पास होगी तो डालना, नहीं तो एक कलर की शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास थी बल्कि मैंने जो सब्ज़ी थी मैं आप लोगों को बताई। और ये पूरा लगेगा ग्रीन चिल्ली, और क्या है विनीगर, ये क्या नाम है बेटा, चिल्ली सॉस, और ये सोया सॉस। इतना सामान लगेगा मुझे, तो आप लोग अभी मैं पूरा, आप लोग मेरी रेसिपी देखना, और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक करो, शेयर करो, और जो भी मेरे चैनल पे नए तो आप सब्सक्राइब कर दो। और मैं अभी तो यहाँ पानी गर्म पे रख दी हूँ बॉयल होने के लिए, ताकि मैं इसमें नूडल्स उबालूँगी। तो इसमें मैं थोड़ा नमक डालूँगी उबालने के टाइम, फीका फीका लगता है ना, तो ये चिटकना नहीं बोल के थोड़ा तेल डालने का, नहीं तो पूरा नूडल्स चिटक जाएंगे। तो ये मेरा एक पैकेट दो, इतना इसमें एक ही पैकेट में एक ही आता है ये, तो मैं अक्का डालूँगी, इसको तोड़ूँगी नहीं। और इसमें एक मसाला आता है, तो ये मसाला भी मैं इस्तेमाल करूँगी इसलिए, और टेस्टी बनेगा। तो ये चारों पैकेट मैंने डाल दी, चार पैकेट में एक ही आता है इसके अंदर, चारों पैकेट मैंने डाल दी, चार मसाला इसमें आया है। इसको बॉईल करके इसको छानेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, हमको थोड़ा कच्चा ही रखना है, अगर फिर चिकट हो जाएगा तो बहुत गंदा बनता है। तो अभी इसको बॉईल करके छान के आप लोग को मैं बताती हूँ। तो ये देखो, मेरे अदरक लहसुन मैंने काटी नहीं हूँ, इसको बारीक बारीक काटा जाता है, मैं बारीक बारीक काटूँगी नहीं। ये तीनों को मैं ना मेरे चॉपर में मैं मोटा मोटा दरदरा चॉप कर लूँगी, आप लोग को बताऊँगी। तो देखो मैं इसमें दरदरा चॉप कर लूँगी, बारीक बारीक काटने से अच्छा इसमें ना काटने से भी अच्छा महीन होता है एकदम। ये तीनों भी मैं इसमें, तो पानी हमारा बॉयल था ना, तो एक बॉयल में हमारा नूडल्स हो चुका है। देखो हमको एकदम गलाना नहीं है, देखो तो ये बस हो गया, इतना ही हमको चाहिए। अब इसको हम छान ले रहे हैं, तो देखो इसमें ऐसा चाहिए था वैसे दरदरा हो चुका। देखो आप लोग भी जैसा कटिंग करते हैं बारीक बारीक, ऐसी उससे अच्छी कटिंग हुई है, तो हमको ऐसे ही चाहिए इसके अंदर। तो पानी मैंने छान लिया इसमें, तभी मैं इसमें तेल डालूंगी, नहीं तो ये चिटक जाएगा, चिटक जाएगा तो फिर हमारा बना हुआ नूडल्स इसको ऊपर के करके ऐसे मिक्स करके मैं रख दूँगी। तो मैंने जिस तपेली में नूडल्स बनाई वही तपेली में मैं अभी भूनूंगी भी। तो मैंने इसमें 50 ग्राम में थोड़ा ऊपर तेल है, मतलब मैं पैरी डालती हूँ ना जो केतली में आती है, वो मैंने तीन डाली है, ये पैरी मैं तीन डाली हूँ। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम लोग को एकदम हीट तेल में ये डालना है, एकदम अच्छा कड़क तेल में ये डालना है। मैंने पीछे दिन में दरदरा डायरेक्ट ये डालूंगी, तो मैंने पूरा डाल दी इसमें। तो अभी ये हल्का सा खाली एक मिनट के लिए हमको ऐसा करना है। तो ये हमारा एक मिनट हो चुका है, तो हम डायरेक्ट इसमें कांदा डालेंगे। कांदा काट के मैंने ऐसा खोल ली हूँ प्याज, एक बड़ी प्याज ली मैं। तो कांदा डाल के हमको एक मिनट हुआ है, मिर्ची का खास आ रहा है ना, फंस के लग रहे हैं। तो अभी ये सब्जी में डालूंगी पूरी लाइन से, मुझे कांदा लाल नहीं करना है, सिर्फ एक मिनट हुआ मेरे को डाल के। तो मैंने पत्ता गोभी और गाजर भी डाल के एक ही में एक मिनट की खाली ऐसा करी हूँ। अब ये तीनों शिमला मिर्ची तीन कलर की जो है काटे हो जाएगी इसमें। तो मैं नमक अभी डालूंगी, क्योंकि सब्ज़ी में नमक लगना चाहिए हमको, नहीं तो सब्ज़ी फिक्की फिक्की लगेगी। तो नमक अभी डालूंगी मैं, तो ये भी डालूंगी, काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल दूंगी मैं अभी। और इसको एक एक ही मिनट खाली भूनूंगी, इसको भी एक मिनट हुआ मेरे, हर सब्ज़ी को मैंने एक एक मिनट भूनी हूँ, कांदा डाल के एक मिनट भूनी। अब हो चुकी है हमारी सब्ज़ी, को गलाना नहीं है, अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। थोड़ा हम ऊपर नीचे करेंगे, बाकी का सामान डालेंगे। तो मैंने सब्ज़ी ऊपर नीचे कर ली हूँ, देखो थोड़ी सी, इसको दो चम्मच लगता है क्योंकि हिलाने में बहुत तकलीफ होती है, और कढ़ाई में बनाया जाता है तो कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है। तो ये दो चम्मच डालूंगी मैं सोया सॉस, तो ये दो चम्मच ये भी डालूंगी ग्रीन चिल्ली। तो ये रेड चिल्ली दो चम्मच जाएगा, ये भी दो चम्मच जाएगा।
तो विनेगर भी मैं 2 चम्मच डालूंगी इसमें। तो अब इसको मैं ऊपर नीचे फटाफट कर लूंगी। हमारा नूडल्स तैयार हो चुका है। अब इसमें हमको वो जो मसाला निकला है वो पैकेट आप लोग के पास रहेगा तो डालना, नहीं तो बहुत सी पैकेटों में नहीं आता है मसाला, वो डालना एकदम ज़रूरी नहीं है। अब इसमें आ चुका है तो मैं 2 पैकेट डालूँ, 4 नूडल्स में तो मैं 2 ही डालूंगी। आप लोग के पास नहीं आएगा तो भी खाली ये भी ये मसाले में बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत प्यारी खुशबरी। ये सब कढ़ाई में बनाया जाता है, मेरे पास उतनी बड़ी कढ़ाई नहीं है तो मैं तपेली में बना रही। आप लोगों को मैं तपेली में जैसा बनाती आप लोग को वैसा शेयर कर रही हूँ। तो देखो ये पैकेट में मसाला ये आया है, मैं डाल रही हूँ, डालने से थोड़ा और टेस्ट बढ़ जाएगा। इसका मसाला बहुत अच्छा रहता है, यहाँ का नूडल्स है ना ज़रा महंगा मिलता है मगर इसके मसाले से बहुत टेस्ट अच्छा आता है। इसको सादा भी हम लोग बना के खाते हैं। आप आज सब्ज़ी की तो मैं आप लोग को ऐसा शेयर करी सब्ज़ी से। तो 1 पैकेट डाली मैंने और आधा ही डालूंगी, मसाला काफ़ी दिख रहा है तो मैं 1.5 पैकेट डालूंगी, आधा रख दूंगी। देखो 4 पैकेट आया था, मैंने 1.5 डाली हूँ, 2.5 पैकेट रख दी हूँ। मसाला काफ़ी इसके अंदर ज़्यादा है, वो भी मसाला ज़्यादा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसको मैं ऊपर नीचे अच्छे से करूँगी मिक्स। गैस स्टोव मेरा बारीक है, नहीं तो सब्ज़ी नहीं से गल जाएगी, सब्ज़ी हमको पकाना नहीं है, सब्ज़ी अच्छी कच्ची पक्की दिखना चाहिए हमको। तो देखो मेरा नूडल्स मैंने ऊपर नीचे कर दी हूँ, तो आप लोग को मैं 2 चम्मच से भी हिला हिला के ऊपर नीचे बताती हूँ। माशाल्लाह मैंने पूरा मिक्स कर दी हूँ, हमारा नूडल्स हो गया तैयार। देखो आप लोग भी अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अभी आप लोगों में सर्व करके बताती हूँ। इसमें आप लोगों को चिकन अगर चाहिए तो चिकन भी डाल सकते हैं, और अंडा चाहिए तो अंडा भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी सब्ज़ी का बना रही हूँ तो मैं सब्ज़ी का बताइए आप लोग को, इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, बहुत और अच्छा टेस्ट आता है। तो पिछली वीडियो में मैंने चिकन का बनाई थी ना, तो इसके लिए आज सब्ज़ी का आप लोग को शेयर कर रही हूँ। तो हमारा नूडल्स आज का तैयार हो चुका है, तो हम सर्व कर रहे हैं बल्कि इसमें अंडा डाल रहे हैं। अंडा उसमें भी डाल सकते थे मगर हम सब में नहीं डालेंगे। आप लोग के सामने सिर्फ 1 अंडा मैंने काली मिरी फेंट के नमक डाल के बनाई हूँ। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखो आप लोग भी ये देखो, तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो आप लोग इसी मेरे साथ बने रहो, इंशाल्लाह मैं जो भी बनाऊंगी आप लोगों को शेयर करूंगी। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आ रही तो भी मुझे कमेंट करो। और ऐसी दुआ में याद रखो, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, और जो और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।